नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी की बड़ी खबर द लोकल रिपोर्ट के ऊपर मैं आपको देने आया हूं, जो कि अभी की बड़ी खबर है कि फारूक अब्दुल्ला जी को जो है कोविड पॉजिटिव आए हैं। वो आप जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लोकसभा के जो हैं वो मेंबर भी हैं। उनको आज पॉजिटिव जो हैं कोविड पॉजिटिव जो है आज उन्हें बताया गया है। उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट करके बताया है ट्विटर के ऊपर कि माय फादर हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19 एंड इज शोइंग सम सिम्टम्स। आई विल बी सेल्फ आइसोलेटिंग along with other family members until we get ourselves tested. I request anyone who has come into contact with us over the last few days to take all the mandated precautions. इन्होंने बताया है इसके ऊपर कि मेरे पापा जो हैं उनको जो है पॉजिटिव कोविड 19 के कारण जो है वो पॉजिटिव आए हैं, और जितनी भी मेरी फैमिली मेंबर्स हैं या मैं खुद हूँ, हमने अपने आप को आइसोलेट किया है, सेल्फ आइसोलेट किया है, और जितने भी हमारे साथ कांटेक्ट में जो हैं लोग आए हैं वो भी जाके अपने अपने टेस्ट करवाएं और वो भी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। तो ये उमर अब्दुल्ला सर ने जो है ट्वीट करके बताया है ट्विटर के ऊपर और इन्फॉर्मेशन दी है सबको। और उसके बाद में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर जो हैं उन्होंने भी ट्वीट करके जो है दुख जताया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है फारूक अब्दुल्ला सर को कि ये जो है अपना ख्याल रखें, और साथ ही में उमर अब्दुल्ला जी को भी बताया है कि वो भी अपना ख्याल रखें और फैमिली को जल्दी से जल्दी जो है वो रिकवर हों, ये आशा की है। अगर हम बात करें आज के जम्मू कश्मीर के कोविड 19 केसेस की, क्योंकि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाए या पूरे जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो खतरा जो है बना हुआ है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, चिनाब वैली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें हम अभी कोविड 19 की, तो सभी को जानकारी है जो प्रिकॉशंस जो हैं सेम पहले से ही गवर्नमेंट ने इशू करके रखे थे कि हमें कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर एक जगह पर जो है मास्क पहनना है, जो हमारा हैंड वॉश करना है, साथ में जो है सैनिटाइज़र यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जो हैं प्रिकॉशंस जो हैं पहले से ही हर ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स में, ऑफिशियल जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी था, लोगों के लिए भी ज़रूरी रखा हुआ था। लेकिन जो लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि वो लापरवाही कर रहे थे। वो ऐसा लग चुका था कि क्योंकि केसेस हमारे जम्मू कश्मीर में जो केसेस आने कम हो गए थे, इस कारण जो है लोग भी जो है फ्री महसूस कर रहे थे कि अब कोविड 19 यहाँ पर नहीं है, अब हम कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस स्कूल्स जो है ओपन हो चुके थे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अभी जो है खतरे की बात यह है कि केसेस की बात की जाए तो, क्योंकि अगर हम ये भी बात करें कि फारूक अब्दुल्ला जी ने जो है पहला डोज जो है कोविड 19 का लिया हुआ था, फिर भी उनको कोविड हुआ, तो इसमें बिल्कुल इस आशा में बिल्कुल ना रहे या इस उसमें ना रहे कि अगर हमने डोज लगा दिया है तो हमें कोविड नहीं होगा। आप अभी भी खतरे में हैं, अगर आपने डोज लगाया है तो भी खतरे में हैं। आप अभी क्लियर नहीं है कि जो डोज लगा देगा तो उसको कोरोना नहीं होगा, दोबारा भी कोरोना हो सकता है। तो अभी केसेस की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, कल की बात की जाए तो कल जो है 4 डेथ्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर में हुई है, जिनमें से 3 डेथ्स जो हैं वो जम्मू में हुई है और 1 डेथ जो है कश्मीर में हुई है। अगर बात की जाए जम्मू की कि जम्मू में वो जो 3 जो डेथ्स हैं वो कहाँ पे हुई है, एक पुंछ के अंदर है हुई है और जो 2 हैं वो जम्मू सिटी के अंदर हुई है। अगर आप बात करें ओवरऑल एक्टिव केसेस की तो 235 एक्टिव केसेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और टोटल केसेस की बात की जाए 2110 केसेस जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी एक्टिव केसेस है टोटल। बात करूं जीएमसी जम्मू की रेगुलर केसेस की बात करूं तो 2 या 3 केसेस जो हैं रेगुलर जो आया करते थे, लेकिन कल की डेट में जो है 20
केसेस जो है बढ़ोतरी मिली है, 22 केसेस यानी कि जीएमसी जम्मू के अंदर आए, जो कि एक बड़ी खबर है। और साथ ही में अगर बात करें कल के जम्मू की एक्टिव केसेस की, तो 235 एक्टिव केसेस हैं। और ओवरऑल अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2110 केसेस जो ओवरऑल एक्टिव हैं। और अगर हम पार्टिकुलरली सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू के जो केसेस हैं वो 542 हैं। और अगर बात करें हम श्रीनगर की तो 1568 जो केसेस हैं वो श्रीनगर के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, और 33 जो हैं वो लेह के अंदर किए गए हैं। और लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के अंदर 135 न्यू केसेस जो हैं कल की डेट में रिकॉर्ड किए हैं। और अगर अभी की बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर यही है कि फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और लोकसभा के जो है मेंबर भी हैं श्रीनगर से, उनको जो है कोविड हो गया है, कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि खबर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जी ने ट्वीट करके बताया है अभी की। जी हाँ, बड़ी खबर है। और हम सभी जो है देख रहे हैं कि मार्केट में लोग जो है बिना मास्क के और बिना प्रिकॉशंस के घूम रहे हैं। सभी से ये निवेदन है, द लोकल रिपोर्ट का भी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 अभी नहीं गया है, और हमें जो है प्रिकॉशंस का जो है फॉलोअप करता रहना है। जो मिनिस्ट्री ने जो भी गाइडलाइंस हमें दी है, डिपार्टमेंट्स ने, एडमिनिस्ट्रेशंस ने जो भी गाइडलाइंस कोविड-19 की हैं, उन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो हमें कोविड के साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है, क्योंकि कोविड अभी भी ज़िंदा है। मैं बताते आया हूँ कि कोविड अभी भी ज़िंदा है, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें प्रिकॉशंस के साथ में चलना है, हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हमें जो भी प्रिकॉशंस थे बिल्कुल मार्केट के अंदर जो है 2 गज़ की दूरी भी जो रखनी है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। 2 गज़ की दूरी जो है इम्पॉर्टेंट है, और हमें मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है, क्योंकि कोविड ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में जो केसेस की है बढ़ोतरी हो रही है, और जो खतरा है वो अभी जो है हमारे जम्मू कश्मीर पे हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर भी एक्टिव केसेस हैं। तो अगर हम बात पूरे जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में केसेस आ रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, और इसीलिए कोविड की अपडेट देने के लिए मैं सुलेंद्र परियार आया हुआ था। इसी उम्मीद के साथ हम आपको यहीं पे छोड़ के चलते हैं कि आप जो है अपने सेहत का ख्याल रखेंगे और दूसरों के सेहत का भी ख्याल रखेंगे। आप यूं ही देखते रहे द लोकल रिपोर्ट, और कोविड-19 की कोई और अपडेट के साथ हम मिलेंगे और ज़रूर आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।